आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरदास चैप्टर फर्स्ट की मीनिंग्स बता रही हूँ जो शब्द संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो बड़भागी जो शब्द का यूज़ किया है सूरदास ने अपने पहले पद में, इसमें बड़भागी का मीनिंग होता है भाग्यवान। दूसरा शब्द है अपरस। अपरस का मीनिंग होता है अलिप्त, नीरस या अछूता। तागा, तागा यानी धागा या बंधन। पुरइनिपात, पुरइनिपात यानी कमल का पत्ता। दागी, दाग धब्बा। माह, माह मानी मे। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाऊ, पाऊ यानी पैर। बोरयो, बोरयो यानी डुबोया। परागी, परागी यानी मुग्ध होना। गुड़ चाटी जौपागी, जिस प्रकार चीटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार, आधार। आवन, आगमन। विथा, व्यथा। विरहिणी, वियोग में जीने वाली। विरह दही, विरह की आग में जल रही है। हुती, हुती यानी थी। गुहारी, गुहारी का मीनिंग होता है रक्षा के लिए पुकारना। जितही तय को कहते हैं जहाँ से। उत, उत यानी उधर या वहाँ। धार, योग की प्रबल धारा। धीर यानी धैर्य। मर्यादा, मर्यादा। न लही यानी नहीं रही। हारिल, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है। ये पक्षी ग्रीन कलर का होता है और कबूतर के आकार का होता है। नंद नंदन उर्पकरी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसा कर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी, रटती रहती हैं। सू, वह। व्याधि, रोग। करी, भोगा। तीन ही उनको। मन चक्री, जिसका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर, भौरा, उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। हुते, थे। पठाए, भेजा। आगे के यानी पहले के। परहित यानी दूसरों का कल्याण। डोलत धाये यानी घूमते फिरते थे। फिर से। पाई है यानी पालेंगी। अनिति यानी अन्याय। हरिल, हरिल पक्षी के बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। यह पीली टंगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है जिसे हरियल, हारित संस्कृत में कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक के मुहावरे में प्रसिद्ध है।